हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ स्टीम केक की रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्वजनी। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टीम केक बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, जो मैं 1 लीटर दूध से बनाया है, और ये एकदम से ड्राई पनीर है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है। तो इसको हम पहले ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग जार में। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लेंडिंग जार ये वाला इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें मैं पनीर को ऐड कर लिया है। इसको एक राउंड लगाएंगे। चलिए ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पनीर अभी चिकना हो चुका है। इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट डालूँगी, जैसे ये रही मेरे पास हंकड़, जिसको मैं आधे घंटे पहले ही ऐसे छन्नी में रख दिया था। इसका सारा पानी निकल चुका है, इसको हम हंकड़ बोलते हैं। इसको मैं ऐड कर लूँगी इसमें, मीन्स पनीर में। और ये पानी को वेस्ट नहीं करना है, इसको हम करी बनाने में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड का पाउडर है ये, मैं बादाम को पीस लिया था, और कंडेंस मिल्क ये हाफ कप है, और आलमंड का पाउडर है 1/4 कप। आप कंडेंस मिल्क के जगह शुगर भी ऐड कर सकते हो। और मैं यहाँ पे लिया है केसर का वाटर, जो मैं गर्म दूध में डाल के रखा था। और कलर के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, आप फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हो, फूड कलर से बेटर ये है। सो मैं इसको यूज़ किया है। और ये सारे चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह ही आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा थिक नहीं या ज़्यादा पतला भी नहीं है। और इसमें हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैं 4 से 5 इलायची लिया है, और इसको मिला देंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस। आप इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस का वाटर यूज़ किया है फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए। इस केक को हम स्टीम में बनाएंगे, तो हम पहले वाटर को गर्म करेंगे। यहाँ पे मैं लिया है इडली का साँचा, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और ये है बर्तन जिसमें मैं केक बनाऊंगी। तो आप यहाँ पे भी केक मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास केक मोल्ड नहीं है तो मैं ये बर्तन से बना रही हूँ। और इसमें मैं ऐड किया है 1-2 ड्रॉप ऑयल, जिसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से बर्तन को। उसके बाद हम पोर कर लेंगे हमारा मिक्सचर जो हमने बनाया है। आप यहाँ पे फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बटर पेपर का, और नहीं तो इस तरह बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा बादाम ऐड कर दूँगी, आप अपने हिसाब से कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हो, पिस्ता, काजू। मैं यहाँ पे आलमंड लिया है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। स्टीम करने के टाइम पानी अंदर ना जाए, इसलिए हमें इसको फॉइल पेपर के थ्रू कवर कर लेंगे टाइटली। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कुछ इस तरह। यहाँ पे हमारा स्टीमर भी रेडी है, इसमें पानी बॉईल हो चुका है और बहुत अच्छे से भाप भी आ गया है। और स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1 प्लेट, जो मैं नीचे डाल दूँगी इस तरह, और इसके ऊपर मैं रखूँगी मेरा केक मोल्ड, मीन्स मेरा बर्तन जो जिसमें मैं केक जमाऊँगी। और इसको अच्छे से ध्यान से रखना है फ्रेंड्स, आपके हाथ ना लगे। जैसे मेरा मोल्ड थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं इसको इस तरह रख दिया है। और इसको ढक लेंगे। इसे हम 20 से 25 मिनट तक इस तरह रखना है।
25 मिनट होने के बाद मैं अभी चेक करूँगी मेरा केक कहाँ तक गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से स्टीम हो गया है। मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा केक एकदम से बन चुका है। मैं अभी गैस को ऑफ करूँगी और इसको निकाल के ठंडा कर दूँगी। मेरा केक ठंडा हो चुका है तो मैं इसको अभी डिमोल्ड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हाथ में नहीं लग रहा है, और अगर आपका केक हाथ में लगे तो आप इसको फ्रीजर में भी सेट कर सकते हो। और डिमोल्ड करने से पहले मैं इसका साइड से किनारा छुटाऊँगी चाकू के थ्रू। इसके ऊपर एक प्लेट लगा के इसको मैं फ्लिप कर लूँगी इस तरह, और पीछे से थोड़ा सा टैप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक एकदम से अच्छे से निकल के आया है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आप किसी में भी इसको जमा सकते हो और ये हमेशा परफेक्ट ही होता है। और दिखने में जितना अच्छा दिखता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये देखिए, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक उठा के आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा बना है, और बहुत ही स्पंजी है और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। मिलेंगे मेरा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।